जो इस पे फोर्स लगा रहा है उस पार्ट को दोस्त रिमूव कर दी जाती है एंड रेस्ट पार्ट को मिड लाइन में शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसे अगर हम ऐसे झुक रहे हैं एंड हमारे को किसी ने पुश कर रखा है तो जो हमारे को जो धक्का लगा रहा है उसको हमने हटा दिया तो हम बीच में आ जाएंगे। DNS का ऑपरेशन कैसे होता है? यस दोस्तों हमारे दिमाग में बड़ी क्वेरी होती है कि जो सर्जरी होती है वैसे तो हर सर्जरी के लिए होता है लेकिन जो हमारा DNS है नाक की हड्डी का जो टेढ़ापन है हमारे दिमाग में उथल पुथल चलती है, क्वेरी चलती है कि डॉक्टर साहब ये जो नाक की हड्डी का टेढ़ापन है क्या आप इसको सारे को ही निकाल दोगे? क्या अगर इसको निकाल दिया तो नाक के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी? सो बात करते हैं, हम जानते हैं कैसे हम सर्जरी करते हैं और क्या इस DNS सर्जरी में होता है। दोस्तों जैसे आपको पता है कि DNS मतलब डेविटेड नेजल सेप्टम, हमारे गोड ने नोज के बीच में एक पार्टीशन बनाया जिसको हम पार्टीशन सेप्टम बोलते हैं। तो राइट और लेफ्ट साइड में दोनों तरफ क्या है बराबर सांस लेने का रास्ता होता है। ऊपर हमारे यहाँ पे क्या है नेजल वाल होते हैं और उस वाल से हमें बराबर ब्रीदिंग आती है। किसी कारण से चोट के कारण जन्मजात डेवलपमेंटल ये जो DNA ये जो सेप्टम है ये ऐसे होने की बजाय यूं होता है या यूं होता है तो इसको हम डेविटेड नेजल सेप्टम बोलते हैं कि यानी वो मिड लाइन से शिफ्टेड हो गया। अब इसका जो इलाज होता है दोस्तों वो हमें इसलिए करना है कि उस जो DNS है जो विकृति है उसके कारण हमें जो सांस का जो हमारा रास्ता था जो हमारा नेजल वाल्व था वो ब्लॉक हो रखा था, इसलिए क्या हमें उस एयरवे को खोलना है, हमारा उद्देश्य ये है। अब उसके लिए क्या होता है कि ये जो हमारा सेप्टम है ये जो हमारा पार्टीशन है इसको ठीक करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं कि जैसे मेरा हाथ है एंड मैंने इस पे ये एप्रन पहन रखी है, ऐसे ही दोस्तों इस पे इस सेप्टम के ऊपर एक म्यूकोजा होती है, एक परत होती है। तो इस परत के ऊपर जैसे हमने इस एप्रन में इंसिजन लगाया एंड इसके अंदर एंटर हो गए इंस्ट्रूमेंट दूरबीन से एंड इसमें क्या है कि जो ये डेविटेड पार्ट है जो एक्सिस पार्ट है जो इस पे फोर्स लगा रहा है उस पार्ट को दोस्त रिमूव कर दी जाती है एंड रेस्ट पार्ट को मिड लाइन में शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसे अगर हम ऐसे झुक रहे हैं एंड हमारे को किसी ने पुश कर रखा है तो जो हमारे को जो धक्का लगा रहा है उसको हमने हटा दिया तो हम बीच में आ जाएंगे। ऐसे ही क्या है DNS की सर्जरी होती है जिसको हम एंडोस्कोपिक, क्योंकि वो बाहर से कोई चीर फाड़ टांका पट्टी नहीं होता इसलिए उसको एंडोस्कोपिक सेप्टोप्लास्टी यानी जो हमारा सेप्टम है उसकी हमने प्लास्टी की है तो उसको एंडोस्कोपिक सेप्टोप्लास्टी बोलते हैं। जो नोज का ब्लॉकेज था वो हमारा ठीक हो जाता है, नोज की हमारी सेप जो है DNS के ऑपरेशन के बाद चेंज नहीं होती है, जैसे हमारी सेप थी वैसी ही रहती है एंड ये ऑपरेशन अंडर एनेस्थीसिया होता है, करीब 1 से 1.5 घंटे का इसमें समय लगता है। एक दिन आपको हॉस्पिटल में एडमिट रहना होता है क्योंकि नोज के ऑपरेशन के बाद में नाक के अंदर एक स्पंज और एक जेली होती है जो हमें लगाते हैं, जो हमने सर्जरी की है उसकी प्रोटेक्शन के लिए वो लगाया जाता है। बहुत सारे लोगों को ये मिथ होता है कि नाक के ऑपरेशन के बाद जो है मेरा का नाक बंद कर देंगे तो मुझे सांस नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हमारे को नोज का जो ये मैरो से लगाते हैं उसके बाद माउथ ब्रीदिंग इजीली हो जाती है, उससे परेशान होने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारे लोग इस डर के मारे हमारी सर्जरी नहीं कराते, तो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जब आपका DNS है तो उसके कारण भी तो आपको सांस नहीं आ रहा, इसलिए क्या है कि जो नोज का मैरोसिल जो पैकिंग नोज में लगाते हैं जब उसको निकाल देते हैं तो हमें आराम से फिर क्या है ब्रीदिंग होती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। एंड अगर हम रूटीन कामकाज की बात करते हैं तो दोस्तों आप अपना 6-7 दिन बाद अपना रूटीन कामकाज ऑफिस वगैरह आप जा सकते हो, नाक की सेप में कोई चेंजेज नहीं होता, बाद में कोई दर्द नहीं होता, आपके कोई सारे दैनिक क्रियाकलाप 6-7 दिन बाद आप कर सकते हो। सो ये है DNS का ऑपरेशन कैसे होता है एंड उसके बाद क्या पोस्ट ऑपरेटिव केयर होती है। थैंक यू।